लाइन देखते हैं, लाइन कहाँ पे और कैसी हालत में बैठा है हमारे बिना। हम भी लाइन है पंजाब के, लेकिन इस लाइन को देखना पड़ेगा। क्या नाम भैया आपका है? यह है दिल्ली जू के बाहर लाइनें, देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और वो सामने है टिकट घर की, ये जो रेड कलर की ये छत है, ये वाली इतनी लंबी लाइन है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी टिकट लेने के लिए। मैं गलती से एंट्री वाली लाइन में लग गया था और मुझे टिकट लेनी थी, तो मुझे लगा कि ये टिकट वाली लाइन है, तो जाके भाग के टिकट लानी पड़ी, फिर वापस एंट्री लाइन में लगा हूँ। 4 बजे से थोड़ा टाइम ज़्यादा ऊपर चला गया, एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको थोड़ा जल्दी आइए एंट्री पाने के लिए। ये एंट्रेंस, ये देखिए, पुट योर सेल्फ इन देयर प्लेस, तो किसी भी जानवर को तंग मत कीजिए चिड़ियाघर के, तो ये अच्छी चीज़ है, आप तंग मत कीजिए। तो यहाँ से चिड़ियाघर शुरू हो जाता है। तो ये है काला हंस जो कि रेस्ट कर रहा है अपनी झोंपड़ी के अंदर। ये खाने पीने का सामान बस यहीं पे स्टार्टिंग में आपको इस कॉर्नर पे मिलेगा, और फिर उसके बाद में आप जो है अंदर जाओगे तो अंदर से फिर आपको कुछ भी और खाने पीने का नहीं मिलेगा, तो बस यहीं से खाइए पिए और अंदर जाइए। ये बैटरी ऑपरेटेड यहाँ पे व्हीकल आप ले सकते हो। ये बैंड बन गया है, अब चलते हैं। लाइन लगी हुई है बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी की, बैठ गए हैं। जहाँ पे भी चाहिए आपको वहाँ पे उतर सकते हो, और ये हॉप ऑन हॉप ऑफ टाइप की गाड़ी है, तो यहाँ से चढ़ जाइए और जहाँ पे आपको रास्ते में उतरना है वहाँ उतर जाइए, घूमिए और फिर वापस आ जाइए। और फिर से ऐसी वाली गाड़ी आएगी तो आप जो भी खाली सीट होगी तो उस पर आप बैठ के आगे जा सकते हैं, तो इस तरह का कुछ सिस्टम है। और ये चल गई अपनी गाड़ी, चलते हैं आगे। लाइन आएगा तो लाइन वाली जगह पे उतरूंगा और फिर वहां पे लाइन दिखाता हूं आपको। जंगली गैंडा बहुत ही बड़ा लग रहा है, बहुत ह्यूज बॉडी है इसकी भैया, ये तो वाओ, अपने घर की तरह प्लान करते हुए। दूसरा भी है इधर, वाओ, कुछ ढूंढ रहे हैं दोनों। तो अभी यहाँ कक्कड़, हिरन, हिमालयन का काला भालू, रीछ और एशियाई गोरल, इस तरह का जंगल और वॉक, बहुत सारी वॉक हैं, तो आप कृपा करके ये ट्राई मत कीजिए इसके अंदर जाने का। ये देखिए एकदम घना जंगल, एकांत, ये आपके जानवरों के लिए है, देखो इस तरह का। बाहर जंगल से चलते हैं सीधे सड़क की तरफ, इस तरह की सड़क है, आप पैदल चलेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल, और ऐसा है, अरे बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से इस जगह। इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे, काफ़ी क्लीन रास्ते हैं, हर तरफ जंगल है इस तरह का। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो यहाँ पे ज़ू के अंदर, कभी इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने का प्रयास मत कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ और सांप वगैरह, बिच्छू, कुछ चीज़ अंदर हो सकती है यहाँ पे जो आपको काट सकती है, तो लेकिन काफ़ी अनटच्ड, एकदम नेचुरल है यहाँ पे। ये है मैपल ट्री, टॉप मेंटलिज्म टॉपिक, इस तरह के बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो मैं इस समय हूँ कहाँ पे हूँ
तो ये है, मुझे जाना है यहाँ पे 6 नंबर में जहाँ पे लाइन है। और गेंडा कहाँ था? गेंडा ये गेंडा था। तो गेंडे से मैं ये अली रोड करके निकल के यहाँ पे हूँ इस समय यहाँ पे। तो मुझे अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा तो इधर जाऊँगा, राइट लूँगा तो राइट घूम के यहाँ पे लाइन है। तो चलता हूँ अभी, लाइन देखते हैं लाइन कहाँ पे और कैसी हालत में बैठा है। हमारे बिना हम भी लाइन है पंजाब के, लेकिन इस लाइन को देखना पड़ेगा। हिमालयन काला बालू का घर, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी, जहाँ तो ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ है। और इधर कहीं ओरा एक छोटा सा, लेकिन ये पीकॉक है। तो हिमालयन काला भालू के घर में पीकॉक क्या कर रहा है? यूज़ भी कर सकते हो जन सुधाओं पर, लेकिन खाने पीने का ना अंदर ला सकते हैं और ना खा सकते हैं। तो बाहर ही है, वहाँ पर खा भी लीजिए मतलब पी लीजिए। हम लेकर आए हैं घर से, तो आपको बाहर ही उसके बाहर ही खाना पड़ेगा पार्क में बैठ के। और भी कुछ एक रास्ता है, लेकिन उधर नहीं जा रहे, सीधे चलते हैं लाइन को देखने के लिए। आवाज़ें आ रही, बड़ी डेंजरस आवाज़ें आ रही हैं। ये पता नहीं क्या है, डियर है क्या है, कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये कौन है? कौन हो भाई? कौन हो? व्हाट इज़ योर नेम? भाग गया, नाम नहीं बताएगा मुझे। तो मैंने एक डियर से उसका नाम पूछा, लेकिन वो धुंधवा के भाग गया, तो उसने बताया नहीं मुझे। आगे यहाँ पे कुछ बतख टाइप कुछ नज़र आ रहा है, तो वो देखते हैं अभी बतख को। इधर एक सुरंग है इस तरफ, ये बगले, ये है नेट लगाया हुआ है ताकि जो है ये उड़ ना सके। अब जा रहा हूँ मैं लाइन को देखने। और ये दिल्ली का, यहाँ पता नहीं कहाँ का लाइन पकड़ के डाला होगा इन्होंने। और ये दहाड़ मार के भाग गया है। तो पंजाब का शेर सैम है, लेकिन वो ये वाला जो है भाग गया है अपनी गुफा के अंदर। मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर कुछ दिख जाता है तो वो ऊपर चला गया। ये देखो, ये सामने इधर को ही आ रहा है, भाग गया है पंजाब के शेर से, भाग गया है। कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, ये आ गया वापस। ओह वाकई बहुत ख़तरनाक बब्बर शेर है, और इसको देख के बड़े बड़े लोगों की लग जाती है वॉट। वाह, ये है शेर, बब्बर शेर। तो जी लाइन शेर देख लिया है, अब आगे देखते हैं बाघ और कुछ एलिफेंट या स्नेक वगैरह। वो रह गए देखने वाली, बहुत क्राउड लग रही है सामने। देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ मिलती है देखने के लिए। ठंडा मौसम है दिसंबर का दिल्ली का। ये है रॉयल बंगाल टाइगर, सफ़ेद टाइगर। ये रॉयल बंगाल टाइगर जो अपने डेन की तरफ जा रहा है। वो देखो देख, ऐसे आ रही है ना। ये टाइगर, चीता, बंगाल का चीता।
डर के भाग गया मैं से अपनी डैन के अंदर। तो ये है वॉल, काफ़ी अच्छा एरिया है वॉल का इस तरह का, ये कुत्ते की तरह ही दिखता है वॉल। इधर को आने की कोशिश हो रही है इसकी। यहाँ पे बबून था वो भी एवरेस्ट करने चला गया, वो भी नहीं देख पाए क्योंकि अभी शाम के 5 बज गए हैं, तो 5 बजे जो है ये बंद हो जाता है ज़ू दिल्ली ज़ू। तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने दिखाया। तो अगर आपको अच्छी तरह से पूरा घूमना है तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा घर से, आप 10 बजे तक आ जाइए यहाँ पर मॉर्निंग में, टिकट लीजिए क्योंकि टिकट लेने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इधर एक एलिफेंट नज़र आ रहा है मुझे, भारतीय एलिफेंट, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। वो बहुत लंबे लंबे दांत हैं इसके, और इस तरह की जगह है जहाँ पे ये रहता है। बीच में पानी का बना हुआ है एक छोटा सा पॉन्ड सा, और वो सामने उसके अंदर वो अपना खाना खा रहा है। यह भारतीय एलिफेंट, इसके अंदर ये 2 एलिफेंट है, एक लेफ्ट साइड में है और एक ये राइट साइड में है, ये खाना खा रहा है। देखो दांत, देखो इसके कितने लंबे लंबे दांत हैं। और इनकी ये घर है इनके एलिफेंट के, ये खाली है। वाह, और अब आगे चलते हैं। बहुत प्लेजेंट वेदर और साफ सुथरी अच्छी रोड है। ये है कक्कड़ किरण बार्किंग डियर, ये कुत्ते की तरह भौंकता है ये किरण। ये रहे, ये घूम रहे हैं 2, और उनके साथ में मोर भी है एक, और ये चलता हुआ आ रहा है इधर इधर। ये कुत्ते की तरह भौंकता है ये वाला हिरण, ये देखिए ये बैठा वेट कर रहा है, कक्कड़ हिरण को देख रहा है ये। और ये देखिए ये है दरियाई घोड़ा, इस तरह का वेत मुर्ग। ये देखिए सामने इसके गोल गोल सींग हैं और वाइट कलर का इसका स्किन है। तो ये किधर भी बैठा है, इधर हमें ही देख रहा है। ये देखो, ये आपको देखो, ये बैठा हुआ है चुपके से, ये रहा वाइट मुर्ग। ये कितना पुराना पेड़ है, जड़ें देखिए, ऊपर से टहनियाँ जो हैं वो नीचे आई हुई हैं। ये है शतुरमुर्ग, भाग रहे हैं, वाह रेस लगा रहे हैं शतुरमुर्ग, वाह वाह। ये है पंकिल मगर, तो ये क्रोकोडाइल है, ये दिख तो रहा नहीं है, कहीं छुप गया है अंदर। शाम के टाइम पे सब लोग जो हैं छुप रहे हैं, इन दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ। मगर बस जिंदा है, किसी भी प्रकार की वस्तु बाड़े में ना फेंकें, दंड जुर्माना 2000 रुपये, बस 6 माह की कारावास। वाह, ये मगरमच्छ का बाड़ा, ये नज़र आ गया है मगरमच्छ, ये रहा इसने मुंह निकाला हो थोड़ा सा बाहर। ये है मुंह मगरमच्छ का,
देखिए ये है मगरमच्छ, कितना लंबा है, 4 से 5 मीटर तक ये लंबा होता है। तो ये चल रहा है धीरे धीरे पानी के अंदर। ये देखिए पूंछ इसकी, ये बहुत लंबा क्रोकोडाइल, मुंह उसके अंदर है, आंखें दिख रही हैं ये छोटी छोटी। मंकी देखिए क्या कर रहा है, फ्रूटी पीने की कोशिश कर रहा है मंकी। हाँ तो अभी क्रोकोडाइल देख लिया है, अब चलते हैं वापस घर अपने। तो ये 5 बजे क्लोज हो जाता है चिड़ियाघर, जिसको जू बोलते हैं। ये भैया हमें बता रहे हैं कि ये जो येलो एरो हैं इसको आप फॉलो करते जाइए तो आप बाहर निकल जाओगे। क्या नाम है भैया आपका? हैं अरे अरे ये अपने अपने है ना, तो ये वाली गाड़ी है, ये चलती है, ये बैटरी पे चलती है, तो इससे आप जा सकते हो। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या नाम भैया, नाम तो बता दो। रामादीन। रामादीन, ओके रामादीन, थैंक यू। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय करो, मजे करो। ये अब वापसी।